टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर आज हम देखेंगे। तो रिजॉल्विंग पावर का मीनिंग क्या होता है? तो रिजॉल्विंग पावर मीन्स होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी भी दो ऑब्जेक्ट या किसी भी दो इमेज को सेपरेट ऑब्जर्व करने की जो कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है, ये उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। हम रिजॉल्विंग पावर आप टेलीस्कोप के वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किए हैं। आज हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर की भी जो डिफिनीशन है ठीक उसी तरह से होगी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा दो सेपरेट इमेज या दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट देखने की जो एबिलिटी है वो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कहलाएगा। इसको हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसके टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं और जिसका इमेज हमें रिजॉल्व करना होता है। मतलब दो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जिसका हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना है उसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ए और बी दो पॉइंट हैं। इस पॉइंट से डी डिस्टेंस पर इसमें से ए और बी के जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसके बीच की डिस्टेंस डी है, मतलब ए बी बराबर डी है, जिसके हमें इमेज फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव एमएन के द्वारा। ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस एमएन है जो कि माइक्रोस्कोप है, जो कि नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो बाउंड्री है ये एक सर्कुलर अपेर्चर की तरह काम करता है। ये सर्कुलर अपेर्चर की तरह काम करेगा और यहाँ पे जो ए का इमेज है वो ए डैश पे बनेगा और जो बी का इमेज है वो बी डैश पे बनेगा। दोस्तों, इसमें एक्चुअल में फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न यूज होता है। तो ये हो गया इसका डायग्राम। ए डैश जो है ये पॉइंट ए का प्रिंसिपल मैक्सिमा का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है और बी डैश जो है ये पॉइंट बी के सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है। और इस तरह से ए डैश और बी डैश जो है ये अल्टरनेट डार्क और ब्राइट डिफ्रेक्शन रिंग से घिरे होते हैं और इसका हमें एक इमेज मिलता है जो कि अपोजिट होता है, चूंकि एम एन एक कॉन्वेक्स लेंस होगा और इसका अपोजिट इमेज बनता है ए डैश बी डैश। हम रेले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट तभी रिजॉल्व किए जा सकते हैं जबकि एक पॉइंट का या एक ऑब्जेक्ट का या एक इमेज का प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा के साथ ओवरलैप करता है तभी उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे कि इसमें दो पॉइंट है, हम डायग्राम में देखे हैं, एक है ए डैश और एक है बी डैश। तो अब हम देखेंगे कि ए डैश तक पॉइंट बी से जो इमेज जो आपका लाइट जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में देखे हैं, तो जो पॉइंट ए डैश तक जो ऑब्जेक्ट लाइट जाती है पॉइंट बी से, उसके बीच में जो पाथ डिफरेंस है तो कितना होगा। दोस्तों, ये हम डायग्राम में यहां से देख सकते हैं। आज देखते हैं कि बी डैश पॉइंट बी के द्वारा एक लाइट जाती है ए डैश में और एक लाइट पॉइंट ए के द्वारा जाती है आपका ए डैश में और एक बार जाता है बी डैश में। तो पॉइंट बी के द्वारा जो ए डैश में जाता है तो ये हो जाएगा बी एम एम ए डैश और एक जाएगा बी एन और एन ए डैश। इसी तरह से पॉइंट ए से जो आपका बी में जाएगा तो हो जाएगा ए एम एम बी डैश और ए एन एन बी डैश। तो पॉइंट बी से ए डैश में जो लाइट जाएगी उसके एक रास्ता ये हो गया और एक ये हो गया। इसी तरह से बी डैश में जाएगी, इन्हीं दोनों के बीच में हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि अभी पाथ डिफरेंस तो ये हो जाएगा बी एन प्लस एन ए डैश माइनस बी एम में प्लस एम ए डैश। हम जानते हैं दोस्तों कि एन ए डैश और एम ए डैश इक्वल होगा एम से ए डैश की डिस्टेंस और एन से ए डैश की डिस्टेंस लगभग इक्वल होगा। तो यहां से एम ए डैश बराबर हो जाएगा एन ए डैश।
इसके द्वारा एन ए डैश और एम ए डैश कैंसिल हो जाएगा तो जो पाथ डिफरेंस बचेगा बी एन माइनस बी एम। अब दोस्तों ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एडी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे डीएम और बीएन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे एसी। ये दोस्तों एबी है, तो हम जब परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे अब हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। तो अभी अभी हमने देखा पाथ डिफरेंस होता है बीएन माइनस बीएम, तो बीएन को हम लिख सकते हैं बीसी प्लस सीएन और हम बीएम को लिख सकते हैं बीएम हो जाएगा आपका बीएम हो जाएगा डीएम माइनस डीबी। तो ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। अब हम दोस्तों यहां से देख सकते हैं कि ए से परपेंडिकुलर बीएन पे सी डाला गया है और यहां पे परपेंडिकुलर बीडी पे आपका एडी डैश डाला गया है बीएम पे। और परपेंडिकुलर के बाद की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल मानी जाती है, तो यहां से सीएन बराबर हो जाएगा एएन और इसी तरह से एएम बाय इक्वल टू हो जाएगा डीएम। हम जैसे यहां की डायग्राम देखते हैं यहां से आपका हो जाएगा एएम इक्वल टू डीएम। परपेंडिकुलर के दोनों पॉइंट से किसी भी पॉइंट के बीच की जो लाइट की जो पाथ डिफरेंस होता है एयर में वो इक्वल होता है, फर्मेट प्रिंसिपल का भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से एएम और यहां से डीएम के बीच की जो दूर डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी। अब तो हम यहां से जब पुट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा बीएन माइनस बीएम इक्वल टू ये बीसी हो गया और ये आपका डीएम और सीएन, यहां से डीएम और सीएन इक्वल होगा क्योंकि ये सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा बीसी प्लस डीबी। दोस्तों यहां पे ये जो एंगल बन रहा है अल्फा है, एक लाइट यहां जा रही है और एक लाइट यहां जा रही है, दोनों के बीच की एंगल अल्फा है, वही एंगल एक अल्फा यहां हो गया और सी ए बी और बी ए डी भी एंगल अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग है, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे आपका अल्फा। हम ट्रेंगल ए बी सी में देखेंगे, तो जब ए बी सी में देखेंगे और एक ट्रेंगल देखेंगे ए बी और डी में, एक हो जाएगा ए बी सी और एक हो जाएगा ए बी डी, ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो यहां से हम साइन अल्फा इक्वल टू देखेंगे बी सी अपान ए बी, चूंकि ये आपका एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ए बी जो है हाइपोटेनियस होगा। इसी तरह से ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो आपका ए बी जो है यहां पर भी हाइपोटेनियस होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम देखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बीसी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन अल्फा। हम अभी अभी देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ए बी है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी साइन अल्फा। इसी तरह से दूसरे ट्रेंगल में जब हम देखेंगे ए बी डी में, तो डी बी इक्वल टू भी हो जाएगा आपका ए बी साइन अल्फा और यहां से भी आ जाएगा डी साइन अल्फा। अब हम पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हमने अभी अभी देखा कि पाथ डिफरेंस होता है बी एन माइनस बी एम इक्वल टू बी सी प्लस डी बी और बी सी और डी बी की वैल्यू हमने फाइंड किया है डी साइन अल्फा प्लस डी साइन अल्फा, तो इस तरह से वैल्यू ये हो जाएगा दोस्तों टू डी साइन अल्फा। अब हम देखते हैं कि यदि दो इमेज जस्ट रिजॉल्व है और तब टू डी साइन अल्फा इक्वल टू होगा 1.22 लेमडा। 2d साइन अल्फा जो है दोस्तों ये ब्रैग इक्वेशन से आया है 2d साइन अल्फा इक्वल टू एल लेमडा, तो यहां स्टैंडर्ड फार्मूला यूज हो रहा है 2d साइन अल्फा इक्वल टू 1.22 लेमडा, तो यहां से d इक्वल टू हो जाएगा 1.22 लेमडा अपॉन 2 साइन अल्फा। अब दोस्तों यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्पेस है और ऑब्जेक्टिव यदि ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्पेस है वो एयर से फिल्ड है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, मतलब अगर म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले ऑयल से एयर नहीं सॉरी ऑयल से, मतलब अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव किसी ऑयल से फिल है, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में कोई ऑयल डला हुआ है, ऑयल मीडियम है एयर की जगह ऑयल मीडियम है और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब दोस्तों यहां से हो जाएगा डी इक्वल टू 1.222 म्यू साइन अल्फा। जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है, जहां
म्यू साइन अल्फा ये न्यूमेरिकल अपेर्चर होता है, इसको हम शॉर्टकट में एन ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो डी इक्वल टू हो जाएगा वो होगा 1.22 अल्फा अपॉन 2 इंटू एन ए, क्योंकि म्यू साइन अल्फा एन ए हो जाएगा। अब दोस्तों ये एक्सप्रेशन तभी यूज होगा जबकि ऑब्जेक्ट सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब अगर सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अगर सेल्फ मतलब अगर ऑब्जेक्ट से प्रकाश अपने आप निकल रहा है तब डी का फॉर्मूला होगा 1.22 लेमडा अपॉन दिस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट किसी एक्सटर्नल लाइट के थ्रू इल्यूमिनेट हो रहा है और उस एक्सटर्नल लाइट की वेवलेंथ अगर लेमडा है तब ये फॉर्मूला नहीं होगा दोस्तों, तब 1.22 यूज नहीं होगा, तब डी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 एन ए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेल्फ ल्यूमिनस है, अगर अपने आप उससे लाइट इमिट हो रहा है तब डी इक्वल टू होगा 1.22 लेमडा अपॉन 2 एन ए। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट किसी एक्सटर्नल लाइट से इमिट हो रहा है जिसका वेवलेंथ लेमडा है तब डी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 एन ए। दोस्तों ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। जैसा कि हमने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के द्वारा मेजर किया जाता है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है AB, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है AB और AB की डिस्टेंस D है, इसलिए माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो D के डिस्टेंस से मेजर किया जाएगा, और इसी के इमेज को जो कि A' और B' है ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको अलग अलग सेपरेट रिजॉल्व करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। यदि आप हमारे चैनल को सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।